रावण द किंग ऑफ डेमोन्स, महान योद्धा, महादेव के महान भक्त, महाबली, महान ज्ञानी, दशे दिशाओं पे विजय पाने वाला दशानंद, जो कि वायु मार्ग से यात्रा करता था, प्रकृति जिसकी दासी थी, आखिर क्यों जलाया जाता है ऐसे महालंकाधिपति लंकेश को, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आखिर हर वर्ष रावण को बड़ा करके सिर्फ भारत में ही क्यों चलाया जाता है, जबकि कहानियों के अनुसार तो रावण श्रीलंका का है, फिर भी श्रीलंका में तो रावण को नहीं चलाया जाता। रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। रावण ने तप करके इंद्रजाल, मायाजाल, तंत्र विद्या, भूत विद्या, सम्मोहन विद्या जैसी सभी प्रकार की विद्याएं हासिल की थी। आकाश मार्ग से जाने वाले रावण के पास प्रकृति भी दासी बन के रहती थी। अग्नि, वायु, जल सभी उसकी आज्ञा मानते थे, लेकिन रावण की एक ही कमजोरी थी, वो था उसका अहंकार। रावण अपनी सिद्धियों के अहंकार से अपने आप को भगवान समझने लगा था। इस सृष्टि में भगवान कोई और है ये मानने से इनकार करने लगा था। तभी सृष्टि में भगवान का अवतरण हुआ और रावण राज्य को समाप्त किया। परंतु ये सारी बातें वर्तमान समय को पहचानने के लिए ऋषि मुनियों ने एक दृष्टांत दिया था। जो कुछ भी रावण के बारे में सिद्धियाँ बताई गई थी वह हम इस समय प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अर्थात अग्नि देवता हमारे चूल्हे में, जल देवता हमारे नल में और हवा में हवाई जहाज में सफ़र भी करते हैं। ये सब वर्तमान की स्थितियाँ हैं, अर्थात विज्ञान ने आज ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त की है। विज्ञान आज जो चाहे वो कर सकता है, एक जगह बैठकर पूरी दुनिया को लाइव देख सकता है, कितनी ही दूरी से आमने सामने बातचीत कर सकता है। तो ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक और विज्ञान आज भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दुनिया से भी हम सुनते हैं कि विज्ञान ही आज भगवान है, अर्थात रावण के बारे में ये दृष्टांत दिया गया था कि अगर इंसान अहंकार में आ जाए तो उसका पतन नज़दीक है। ये बात बताने के लिए दृष्टांत दिया गया था ताकि हम कभी अहंकार में ना आए। तो दोस्तों ये तो हुआ रावण दहन का प्रैक्टिकल मीनिंग। अगर पुराणों की सुने तो भगवान राम को माँ ऋषि अगस्त आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में बताते हैं। तब उनको सूर्य से वरदान मिलता है और दूसरा वरदान जब भगवान राम स्वयं माँ नवदुर्गा की पूजा करते हैं तब मिलता है, और उनसे वह दशहरे के दिन रावण पर विजय पाते हैं। तो इसी उत्सव को आज सत्य की असत्य पे जीत के रूप में रावण का दहन करके मनाया जाता है। सो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एंड वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। जय श्री राम।